अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार पीपीएफ तथा एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं में की गई बड़ी कटौती वापस लेगी। सरकार ने कहा है कि कटौती का ऐलान गलती से हो गया था, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि वित्त मंत्री सरकार चला रही हैं या सर्कस। दरअसल छोटी बचत योजनाओं के ब्याज में कटौती के मोदी सरकार के फैसले की काफी आलोचना हो रही थी और इस फैसले का 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता था, इसीलिए किसी नुकसान से बचने के लिए ब्याज दरों में कटौती का निर्णय वापस ले लिया गया। हम आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को लोक भविष्य निधि यानी पीपीएफ और एनएससी यानी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 1.1% तक की कटौती की थी। इसके एक दिन बाद गुरुवार को यह फैसला उस समय वापस लेने का ऐलान किया गया जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। आज ही नंदीग्राम सीट पर भी मतदान है जहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। निर्मला सीतारमण ने गुरुवार सुबह ट्वीट किया, भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो 2020-21 की अंतिम तिमाही में थी, यानी जो दरें मार्च 2021 तक थी, पहले दिया गया आदेश वापस लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पीपीएफ पर ब्याज 0.7% कम कर 6.4%, जबकि एनएससी पर 0.9% कम कर 5.9% कर देने का ऐलान किया गया था। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर अधिसूचित की जाती है। ब्याज में सर्वाधिक 1.1% की कटौती 1 साल की मियादी जमा राशि पर की गई थी। इस पर ब्याज 5.5% से कम करके 4.4% करने का फैसला किया गया था। छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है। पुरानी दरें बहाल होने के बाद पीपीएफ पर 7.1% और एनएससी पर 6.8% की दर से वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 7.6% ब्याज मिलता रहेगा, जबकि पहले इसे घटाकर 6.9% करने की बात कही गई थी। 5 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 7.4% पर बरकरार रखी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की योजना पर ब्याज का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। बचत जमा पर ब्याज दर 4% होगी, जबकि इसे घटाकर 3.5% करने का प्रस्ताव था। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने और फिर अपने इस फैसले को वापस लिए जाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और सवाल किया कि वह सरकार चला रही हैं या सर्कस। मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा कि अब निर्मला को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, कल रात में सरकार ने आमजनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। आज सुबह जब सरकार जागी तो उसको पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष ओवरसाइट यानी चूक शब्द पर मढ़ते हुए सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। प्रियंका ने दावा किया, चुनाव है तो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं, एक बार चुनाव जाने दीजिए, भाजपा अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मैडम वित्त मंत्री क्या आप सर्कस चला रही हैं या सरकार? कोई भी इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के चलने को लेकर कल्पना ही कर सकता है जब करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले फैसले को चूकवश जारी कर दिया जाए, यह आदेश किसने जारी किया, ऐसा उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, आपको वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खैर, आइए अब आपको ले चलते हैं आध्यात्मिक खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला आज से शुरू हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि यहां 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि आप महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से सड़क, हवाई मार्ग और रेलगाड़ियों से आ रहे हैं तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा। बहरहाल 1 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और श्रद्धालु इससे
खुश भी नजर आ रहे हैं। आज 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गंगा स्नान है और यहाँ आके हमने गंगा स्नान कराया, हमारी फैमिली ने भी कराया और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सभी श्रद्धालुओं से कहना चाहूँगा आके गंगा स्नान का स्नान करें कुंभ का, और COVID-19 का जो भी पालन है, निर्देश है, उसका पालन करते हुए स्नान करें। कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा।